देखो आप लोगों ने जो भी बोला सर के लिए हमारे लिए, हम दोनों का ड्रीम एक ही है कि 2020 में 30 लोग क्रैक स्टैक के गवर्नमेंट जॉब पर होने चाहिए और हम दोनों इस ड्रीम को पूरा करके ही रहेंगे, कुछ भी करना पड़े। इसलिए हमने सैटरडे संडे जितनी भी मेहनत करेंगे हम, बट जैसे हम लगे हुए आप भी लगे हुए हो, लेकिन थोड़ा सा हो, बस थोड़ा सा कर लो, आप लोग 30 लोग पहुंच ही जाओगे। मैं अपना पर्सनल बताऊं, मैं इतनी एज नहीं, मैं आपका फ्रेंड जैसा ही हूँ, एज आपकी जैसी है मेरी, टीचर लगता नहीं हूँ, ठीक है, आपकी जैसा ही हूँ, बट अपना बता रहा हूँ। मैं अभी तक लाइफ में 3 एग्जाम दिए हैं, एक जेई मेंस का, आईआईटी का, जिसमें जेई मेंस क्वालिफाई किया था और एडवांस रहा था, आईआईटी का मेंस का तो एडवांस का रह गया था। उसके बाद एयरफोर्स के दिए हैं 2 बार एग्जाम, एक बार 1 मार्क्स रहा था, दूसरी बार मैंने ये लिखा था, अपना खुद भी बता रहा हूँ, एक टाइम टेबल लिखा था, उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, अगर तेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होता तो खुद पे धिक्कार है। मैंने ये बात अपनी खुद से लिखी थी, अपने हाथ से, और सामने गेट पे लगाया था। मेरा फ्रेंड था वो भी बोलता था कि हाँ तूने ये सही किया है, लेकिन हंसता भी था लेकिन उस बार मेरा सिलेक्शन हुआ एयरफोर्स में। लेकिन परेशानी क्या थी, मेरा ऑपरेशन हुआ तो इसलिए मेरा सिलेक्शन उसमें मेडिकल में बाहर हुआ था। लेकिन अब मुझे सीजीएल का पता है, एसएससी सीजीएल इस बार जॉब तो नहीं मिलेगी, लेकिन एक सीट तो खराब करके जाऊंगा, एक सीट तो खराब पक्की करनी है मुझे, किसी की भी हो सीट तो खराब होनी है पक्की। लेकिन अगली बार एक लेदर का बैग अपने हाथ में ले लूंगा इस बार जब ग्रेजुएशन कम्प्लीट हो जाएगी। जो यहाँ पर हैं, मैं मानता हूँ कि सबके अंदर देखो ऐसा कोई नहीं कि माइंड किसी का अलग नहीं होता, माइंड सबका इक्वल है, लेकिन बस कब किसका काम करना स्टार्ट करते बस उस पर डिपेंड करता है। और मैं मानता हूँ कि इस बार 30 लोग तो पक्का 100% जाने वाले हैं इस बार, ठीक है। और आप उम्मीद करूँ कि यहाँ पर दोबारा दिख मत जाना इसमें, ठीक है, ओके, थैंक यू।